डेली HD न्यूज। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के अंतर्गत सहायक मंडला अध्यक्ष कार्यशाला प्रतिबद्ध का आयोजन एबी रोड राव स्थित रेड मैपल होटल पर 26 व 27 फरवरी 2022 को हुआ। अपने नाम के अनुरूप कार्यशाला में मंडल के विभिन्न क्लब से चयनित 41 सहायक मंडला अध्यक्षों ने मुंबई से पधारे रोटेरियन श्री हरजीत तलवार के मुख्य आतिथ्य में मंडला अध्यक्ष इलेक्ट 2022-2023 रोटेरियन जिनेंद्र जैन, मंडल प्रशिक्षक पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर धीरन दत्ता व मंडल के अन्य पूर्व मंडला अध्यक्षों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने रोटरी के कार्यों को करने के लिए 7 क्षेत्र चुने हैं, जिसमें सामुदायिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, प्रदूषण नियंत्रण, अधोरचना आदि के साथ इस वर्ष से पर्यावरण सुरक्षा का भी समावेश किया है। रोटेरियन घनश्याम सिंह एवं रोटेरियन अक्षत गुप्ता ने बताया कि सभी प्रशिक्षकों ने अलग अलग विषयों के द्वारा रोटरी के विभिन्न सर्विस प्रोजेक्ट्स एवं एक्टिविटीज आयामों से सदन का परिचय करवाया। कार्यक्रम में इनकमिंग रीजनल कोऑर्डिनेटर्स एवं असिस्टेंट गवर्नर्स को उनके कार्यकाल में किस तरह से आवंटित क्लब्स के सहयोग से छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें किस तरह से प्राप्त कर सकेंगे, इसे अनेक उदाहरणों से समझाया गया, जिनके द्वारा मंडल के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में सभी सहायक मंडला अध्यक्षों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यशाला का संचालन श्वेता जोशी जी व दीप्ति कोठारी ने किया। तो मुझे नहीं लगता कि साल भर आपको कोई दिक्कत होने वाली है। लीडर्स पाए जाते हैं, दर्द रूपी बढ़ते हैं, जो कि खुद तो खूब बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ में किसी को बढ़ नहीं देते। एक आसमान की ओर बढ़ते हुए जो पेड़ होते हैं, आसमान रूपी लीडर जो खुद भी बढ़ते हैं, दूसरों को भी बढ़ाते हैं। ये सब कुछ अपने अंदर क्लियर करो दोस्तों। क्लब प्रेसिडेंट बोले, गवर्नर साहब रुकिए, अभी मेरा एजी आया है, एक बार इसकी कोशिश करके देखिए, और जोरदार ताली का आपने भी रखेंगे। सर उस 400 फ्लाइट जो पैसेंजर्स थे उसमें से एक ने भी मुझे बड़े बन रहे थे ये सर, किस्मत मेरी भी तब्दील करेगी समाज में, बहुत पुराने हमें बड़ी देर तक अवसर करिए। मैं सीनियर मेंबर हूँ, जब हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे तो वो मुझे कहते थे जनेंद्र भाई ये पता है सिर्फ मिनट आप रोटरी क्लब भोपाल शाहपुरा बन लो पूरा दोहराना चाहता हूँ कि सप्ताह में एक घंटा इजली आपने आपको मैं जहाँ तक ध्यान पड़ता है, चूंकि मेरे मैंने अपने काफ़ी सारे साथियों को एक ऐसी संस्था है जो ट्रेनिंग पे बहुत ही स्ट्रेस देती है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर हमारे कार्यकर्ता सब ट्रेंड होंगे तो ही वो कार्य सही तरह से कर पाएंगे। आज का जो प्रोग्राम है प्रतिबद्ध, ये असिस्टेंट गवर्नर्स जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनकी ट्रेनिंग के लिए आयोजित किया गया है, जहाँ पे सीनियर लीडरशिप पूरी डिस्ट्रिक्ट की मौजूद है और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और क्या वो डिलीवर करेंगे आने वाले साल में, जिनेंद्र जी जब इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनेंगे। रहा हूँ रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। आज से 2022 और 23 की ट्रेनिंग शुरू हुई है। हम लोगों के हर साल पदाधिकारी बदलते हैं, रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, क्लब अध्यक्ष, ये सब चेंज होते हैं। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अगले साल के 22-23 के जिनेंद्र जैन होंगे, और जिनेंद्र जैन की टीम जो अभी असिस्टेंट गवर्नर्स की है उनकी अभी ट्रेनिंग हो रही है। आज और कल ये 2 दिन की ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग का दौर है। अभी इस तरह से 3-4 ट्रेनिंग्स और होंगी और इसका कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा। इस ट्रेनिंग में आज हम सभी इकट्ठे हैं और जो हमारे एजीज हैं उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित किया जाता है, जो हमारे वर्ष 22-23 में जो हमारे टीम कार्य करेगी, जो शायक गवर्नर्स की हमारी टीम होती है, हमने 29 जोन हमारे रोटरी मंडल में बनाए हुए हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग होती है और ये 2 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद उनको बकायदे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है और उसके बाद वो रोटरी जनमानस की सेवा के लिए कार्य करते हैं। सर
सर आज ट्रेनिंग में आपने भी सुझाव दिए क्या, किस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आज रोटरी में? निश्चित तौर पे हम आई डोनेशन के क्षेत्र में बहुत सारा काम करने चाहते हैं। हमारे रोटरी के बहुत सारे डायलिसिस मशीन्स के प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। आने वाले समय में हम और भी डायलिसिस प्रोजेक्ट हम कम से कम बढ़ाने जा रहे हैं। नेत्रदान के ऊपर हम एक बहुत बड़ा कैंपेन आने वाले साल में चलाने वाले हैं और निश्चित हम उससे जनमानस को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।